बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लैक होल स्टडी पर। तो आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ होल नंबर। तो होल नंबर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते हुए क्रम में किसी भी संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े तक जो चीज़ जाती है उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जो चीज़ घटती है यानी बड़े से छोटी होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ सवाल लगा लेते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में एक रूल होता है कि अगर कोई भी संख्या छोटी है, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो नंबर्स होते हैं, जो 1, 2 और 3 नंबर्स होते हैं, वो आना आपको बहुत ज़रूरी है, और इसकी पहचान करना आना ज़रूरी है कि 1, 2 और 3 में से कौन सा अंक जो है वो बड़ा है और कौन सा अंक जो है वो छोटा है। तो इस यही होता है असेंडिंग ऑर्डर में कि आपको पहले इसमें ये पहचान आनी चाहिए कि कौन सा अंक जो है वो बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है, और आपको ये नंबर्स भी आने चाहिए। तो चलिए अब कुछ सवाल लगा लेते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो चलिए पहला हम लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर का। तो 1, 2, 3, 4। तो चलिए अब इनको अपन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? बढ़ते हुए क्रम में सबसे सही है भाई, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे हम 3, फिर लिखेंगे हम 4। यानी कि ये जो संख्या है 1, 2, 3 में क्रमांगत आती है, यानी लगातार आती है। तो बीच में उसके कोई गैप नहीं है, कोई भी अंक यहाँ पर छूटा नहीं है, ये डायरेक्टली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी ही क्रमांगत है। तो चलिए अब कुछ क्रमांगत संख्या को लगाते हैं। तो चलिए सबसे दूसरा सवाल हम यहाँ लिखते हैं। तो दूसरा सवाल हम लिखते हैं 4, 2, 1 एंड 3। तो अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ हम इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो होता है 1। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 1, फिर 1 के बाद जो संख्या आती है जो इसके अंदर है वो है 2। तो हम यहाँ डैश लिखेंगे 2, और फिर 2 के बाद जो संख्या आती है क्या वो 4 आती है या फिर वो 3 आती है? वह 3 आती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। अब 3 के बाद आखिरी यही संख्या बची है तो हम इसको यहाँ लास्ट में लिख लेंगे। तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो अब पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के सवाल कुछ बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ पढ़ते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है किसी भी संख्या का घटता हुआ क्रम, यानी कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने यहाँ 4 संख्याएं लिखी। अब इसका हमें लिखना है घटता हुआ क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर आता है तो मैं आपको एक ट्रिक वीडियो भी दूंगा इसकी, कि आप किस ट्रिक से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फटाफट निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम इससे सीख लेते हैं। तो चलिए बेसिक ट्रिक। तो चलिए बेसिक ट्रिक ये है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे पहले कौन सी संख्या आती है काउंटिंग में और बाद में कौन सी संख्या आती है। तो हाँ ये होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 4 जो है इस कंट्री में सबसे बाद में आता है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेंगे, और 3 जो है उसके पहले आता है इसलिए हम उसके बाद में लिखेंगे, और 3 के पहले कौन सा अक्षर आता है तो वो होता है 2, तो उसको हम पहले बाद में लिखेंगे 2। और सबसे जो बड़ा नंबर होता है होल नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ लास्ट में 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मिक्स सवाल या फिर अलग अलग करके मैनुअल सवाल देते हैं। तो आइए अब हम इस सवालों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के सवाल, यानी कि हमें इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो चलिए
सबसे पहला सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है 4, 9, 9 और 8। तो कभी भी किसी सवाल में आपको दो बार वही सेम संख्या मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर वह संख्या जैसे आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 9 सबसे बड़ा है तो 9 हम लगाते हैं, तो 9 फिर आप इसके बाद यहाँ लिख दीजिए या फिर आप 9 यहाँ लिख दीजिए, बात वही होगी। तो चलिए इन दोनों को लिख दिए, फिर उसके बाद आता है हमारा 8। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है हमें। तो 9 जो है सबसे लास्ट की संख्या होती है, इसलिए हम 9 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे जो यहाँ पर छोटी संख्या है वो है यहाँ पर 4। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 4, और 4 के बाद जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है वो है 8। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8, और 8 के बाद जो दो संख्या बची है क्योंकि वह सेम है तो हम इनको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो यहाँ और फिर इस टाइप से इसको लिख लेंगे। तो पहला सवाल ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा 8, 6, 5 और 4। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो वही हम इसमें करेंगे। जो सबसे छोटा संख्या है वो है 4, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, और फिर उससे बड़ी संख्या है 5, तो 5 हम यहाँ लिख लेंगे, और उससे भी बड़ी संख्या वो 6, तो 6 हम बाद में लिख लेंगे, तो फिर सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 8, तो 8 हम यहाँ बाद में लिख लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड सवाल हो गया है। और ये थर्ड सवाल जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको यह सवाल जो है मुझे कमेंट ज़रूर करना है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस सवाल का जवाब बच्चों। तो चलिए अब हम कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर के सवाल कर लेते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो मैं डालूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो बाय बाय, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को ऐसे 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 दबा दीजिए। तो बाय बाय।